हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? दिस इज सोनिया कौशिक एंड वी आर डूइंग प्लांट किंगडम ऑफ क्लास 11th एंड टुडेज अवर टॉपिक इज टेरिडोफाइट। स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस ब्रायोफाइट्स। हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स दैट आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम दैट रिक्वायर्स वाटर एज वेल एज लैंड फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। दीज प्लांट्स दे आर मोर इवॉल्व देन ब्रायोफाइट। देखिए, एल्गी से अगर हम कंपेयर करें तो एल्गी से ज़्यादा डेवलप्ड हैं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट से ज़्यादा डेवलप्ड है टेरिडोफाइट। एंड टेरिडोफाइट के बाद हम लोग करेंगे जिम्नोस्पर्म दैट आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड देन वी विल डू फुली डेवलप्ड दैट इज एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो टेरिडोफाइट्स को ट्रैक्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये कैसे प्लांट्स हैं, क्या इसके करेक्टर्स हैं, लेट मी डिस्कस दैट। तो टेरिडोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स जो शेडी डैम्प प्लेसेस में ग्रो करना पसंद करते हैं। दे ग्रो इन शेडी एंड डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस आप कह सकते हैं, ठीक है, एंड सैंड ऑल्सो, सैंड एरिया ऑल्सो, ठीक है, सैंड में भी ये ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स व्हाट टाइप ऑफ एक्स्ट्रा करेक्टर दे हैव दैट डू नॉट प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स। सो एज दे रिक्वायर, they also requires water for fertilization। इनको भी fertilization के लिए क्या चाहिए students? water चाहिए, ठीक है। body is differentiated, body is differentiated into roots, stem and leaves। हमने ब्रायोफाइट्स के अंदर डिस्कस किया था, दे हैव फूड सीटा एंड कैप्सूल, उनके अंदर थैलॉइड बॉडी भी थी एंड दे हैव फूड सीटा एंड कैप्सूल। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे देयर बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स having vascular bundles, very very important student, note it down। पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें वैस्कुलर बंडल्स थे। वैस्कुलर बंडल्स, what are vascular bundles? Xylem and phloem। What is the function of xylem and phloem? Xylem का काम होता है students transport, it helps in ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स। दिस इज वॉटर, वॉटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसॉल्व्ड फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। प्लांट्स के अंदर दे डोंट हैव एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी तरह इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। सो दे आर यूजिंग देयर जाइलम एंड फ्लोएम, देयर वैस्कुलर टिश्यू, देयर वैस्कुलर बंडल फॉर ट्रांसपोर्ट। ब्रायोफाइट्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं थे, सो दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट हैव वैस्कुलर बंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द यू कैन से स्पेशल करेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। इट इज द डिफरेंशिएटिंग करेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट दैट डिफर्स इट फ्रॉम अदर टू प्लांट्स कैटेगरी दैट आर एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। नाउ दे हैव टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर प्रेजेंट, ऑलराइट, दैट आर कॉल्ड माइक्रोफिल्स एंड मैक्रोफिल्स। दीज आर स्मॉल लीव्स, दीज आर लार्ज लीव्स, दे मे बी प्रेजेंट इन फर्न्स। सो लेट मी टेल यू, दिस टेरिडोफाइट मे बी डिवाइडेड इन टू टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्लांट दैट इज फर्न्स एंड होर्स टेल्स। दे आर कॉल्ड फर्न्स एंड होर्स टेल्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स। सो दिस फर्न्स हैविंग लार्ज साइज लीव दैट आर कॉल्ड मैक्रोफिल्स एंड स्मॉल साइज लीव्स आर प्रेजेंट इन अदर टेरिडोफाइट, दे आर कॉल्ड माइक्रोफिल्स। ऑलराइट, देन वी हैव डन इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में
हमने किया, दे हैव डोमिनेंट फेस इज गैमेटोफाइट. उनका भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल था, लेकिन उनका मेन फेस क्या था? गैमेटोफाइट. एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट एज अ पैरासाइट, लेकिन टाइडोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट इज द मेन डोमिनेंट फेस एंड दैट इज इंडिपेंडेंट. दैट इज इंडिपेंडेंट, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. सो टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो मेन या हम कहें डोमिनेंट फेस क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे? स्पोरोफाइट फेस. ठीक है, ये डोमिनेंट है एंड हम इसको कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने किया था दैट इट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर देयर फूड, फॉर देयर यू कैन से शेल्टर. सो इन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट लिव्स एज पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट बॉडी, बट हेयर दिस स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट. ऑलराइट, सो अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की तो टेरिडोफाइट्स ऑल्सो हैव स्पोर्ट्स. इनके अंदर भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स प्रेजेंट है, स्पोर्ट्स प्रेजेंट है. और ये स्पोर्ट्स दैट मे बी सेम, ये स्पोर्ट्स सेम भी हो सकते हैं, दैट मे बी सेम और दैट मे बी डिफरेंट. अगर सेम होंगे स्टूडेंट तो उनको हम क्या कहेंगे? होमोस्पोर्स. एंड इफ दे आर डिफरेंट सो दे मे बी कॉल्ड एज हेट्रोस्पोर्स. ऑलराइट, हेट्रोस्पोर्स. अब हेट्रोस्पोर्स कैसे होंगे? या तो छोटे होंगे साइज में या बड़े होंगे, या तो स्मॉल इन साइज के बेसिस पे हम बात करें, या तो स्मॉल होंगे स्टूडेंट्स या फिर लार्ज होंगे. ऑलराइट, सो इन ब्रायोफाइट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट दैट आर होमोस्पोरस इन नेचर, बट टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस इन नेचर. इट हैव टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव डन, टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम. दे मे बी फर्न्स, दे मे बी इंक्लूड होस्टेस. दे ग्रो इन शेडी डैम प्लेसेस, ऑल्सो इन सैंडी एरियाज. एंड द मेन डोमिनेंट फेस इज स्पोरोफाइट. दे कैन दे ऑल्सो रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. Body is differentiated. Body is truly, you can add here the word truly. Body is truly differentiated into root, stem and leaves. Two types of leaves may be present, that may be small, that may be large. So they are called as microphylls and macrophylls. So coming to their life cycle and coming to their other characteristics. Students, as I have told you that they have a main dominant phase is sporophyte. So what about gametophyte stage? Yes, gametophyte stage is also present that helps in formation of gametes. Gametes are same as in case of you can say bryophytes. Here the male and female sex organs are also called archegonium and antrigonium, like in antrigonium like in bryophytes. So yahan par bhi male sex organ ko hum antridium kahenge and female sex organ ko kya kahenge students? Archegonium. देखिए अगर हम बात करें गैमेटोफाइट, सो ये गैमेटोफाइट बॉडी कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? प्रोथैलस के अंदर. प्रोथैलस, तो ये गैमेटोफाइट यहाँ कौन से होंगे स्टूडेंट्स? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट है फीमेल गैमेटोफाइट. So they are again called like in bryophyte archegonium. Alright, and male sex organ is antridium. Alright, now if the male and female sex organ is present in same body, agar ye same body ke andar present hai students, द बॉडी द प्रोथैलस बॉडी इज कॉल्ड मोनोशियस. क्या कहेंगे उसको? मोनोशियस. मोनोशियस अगर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट प्रोथैलस, दिस इज प्रोथैलस, सो दैट आर कॉल्ड डायोशियस. ऑलराइट, एंड वन पॉइंट यू कैन नोट हियर, अगर मोनोशियस होगा स्टूडेंट तो स्पोर्स आर होमोस्पोर्स. स्पोर्स कैसे होंगे? दैट आर सिमिलर. इफ दे आर डायोशियस सो स्पोर्स आर डिफरेंट, दिस आर हेट्रोस्पोर्स. हेट्रोस्पोर्स आर
present. Alright, now these teratophytes, if we talk about where the gametophyte is present, so in case of ferns, their leaves, for example, these are the leaves. So in the leaves, they have in the terminals, in the apex, you can say they have these male and female. So if their leaves having that male and female organs that are called sporophylls. This sporophyte is present in sporophylls. So these sporophylls have sporogenous tissue होगा students यहाँ पर. And क्या होगा sporogenous tissue में, मैं किसकी बात कर रही हूँ, that are mainly macrophylls. जो बड़ी लीव्स होंगी इनमें, जैसे कि ferns के अंदर student, ferns के अंदर लीव्स के टर्मिनल्स पर क्या हो सकता है, sporogenous tissue, sporophylls कहेंगे ऐसे लीव्स को. sporogenous tissue क्या होगा, sporogenous tissue के अंदर spore mother cells क्या करेंगे स्टूडेंट, दीज आर टू एन नेचर डिप्लॉयड है. स्पोर मदर सेल भी कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी एंड दे अंडरगो मियोसिस होगी, इसको हम स्पोरिक मियोसिस भी बोल सकते हैं स्टूडेंट. दिस इज कॉल्ड स्पोरिक मियोसिस बिकॉज इट विल फॉर्म हैप्लॉयड स्पोर्स हेयर. तो क्या बन जाएंगे, स्पोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स. And this type of meiosis is called sporic meiosis. Now these spores germinate. ये germinate होके क्या बनाएंगे? This will form gametophyte. Alright? This will form gametophyte that is formed after fusion of male and female gametes. Alright? So now coming to their life cycle. Life cycle की हम बात करते हैं students. Their life cycle. I will also give you examples of which types of pteridophytes have this homospores and heterospores. So first of all, we are coming to their life cycle. कि पूरा life cycle में इसमें gametophyte और sporophyte stages जो हैं कैसे आती हैं students. So देखिए, मैंने आपको बताया है अभी. So they may have sporophylls. क्या हो सकती है उनके अंदर, ऐसी leaves that have sporangia. So they have sporophylls. ठीक है, टू एन इन नेचर. सो स्पोरोफिल्स हैव स्पोरेंजिया. दिस स्पोरेंजिया हैव स्पोरोजिनस टिश्यू. दिस इज अगेन टू एन डिप्लॉयड डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, दिस स्पोरोजिनस टिश्यू हैविंग स्पोर मदर सेल. Spore mother cell that is 2N, it will undergo, अभी हमने किया, क्या होगा इसमें, meiosis and it will form spores. Spores कैसे होंगे students, haploid होंगे. अब spores से क्या बनेगा, देखिए spores से क्या बनेगा, prothallus यानी कि gametophyte. Spores germinate होंगे, स्पोर्स विल जर्मिनेट एंड दे विल फॉर्म प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइट बनाएंगे. अभी गैमेटोफाइट डिफरेंट भी हो सकता है स्टूडेंट्स और सेम भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया मोनोशियन एंड डायोशियस. तो ये अगर फीमेल गैमेटोफाइट तो इसे क्या कहेंगे, आर्चिगोनियल. एंड अगर मेल गैमेटोफाइट है तो उसे क्या कहेंगे, अभी हमने डिस्कस किया था मेल गैमेटोफाइट को क्या कहेंगे, एंथ्रीडियम. ऑलराइट, 2N है यहां पर भी, दिस इज आल्सो 2N, सॉरी N. सो दे विल फॉर्म मेल एंड फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट यहां से बनेगा, फीमेल गैमेट एंड दिस विल फॉर्म मेल गैमेट. ऑलराइट, दे विल फ्यूज, दीज आर हैप्लॉइड इन नेचर, दे विल फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. जाइगोट बनेगा स्टूडेंट्स, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो. 2N है, एम्ब्रियो इज ऑल्सो 2N. एम्ब्रियो से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी, स्पोरोफाइट एंड दिस स्पोरोफाइट आर प्रेजेंट ऑन स्पोरोफिल्स.
लीव्स के अंदर प्रेजेंट है. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स, लाइफ साइकिल ऑफ फर्न दैट आर टेरिडोफाइट्स. ऑलराइट, सो नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स. नाउ वी विल कम टू देयर वन मोर इम्पॉर्टेंट फीचर दैट हेल्प्स इन स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज दे हैव अ सीड, दे आर प्रिकर्सर ऑफ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट. ऑलराइट, सीड्स इनमें प्रॉपर नहीं बन पाए बिकॉज दे डोंट हैव एनी इंटेग्रमेंट्स, एनी कवरिंग, कवरिंग कुछ नहीं थी, तो दे डोंट फॉर्म दिस सीड हैबिटेट. बट दे स्टार्ट, दे हैव देयर फीमेल गैमेटोफाइट इन द थैलस एंड द मेल गैमेट्स कम इन टू दैट, एंड समटाइम द जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ऑल दैट अकर इन दैट प्रोथैलाई और गैमेटोफाइट, उसी के अंदर सारा प्रोसेस होगा. लेकिन सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाया बिकॉज, बट अभी यहाँ से सीड फॉर्मेशन की स्टार्टिंग जो है हो चुकी थी. तो सीड हैबिटेट कहीं ना कहीं इनके बाद जिम्नोस्पर्म्स के आया, जिनके अंदर नेक्स्ट सीड है. उसके बाद एंजियोस्पर्म्स आए दैट हैव सीड्स इनसाइड द फ्रूट्स. तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से एक यानी कि सीड हैबिटेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से टर्न जो है यहाँ से आया था. नाउ बात करते हैं स्टूडेंट्स कि किन टेरिडोफाइट के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स, यहाँ बात करते हैं एजोला, ठीक है, और बात करते हैं एडियांटम, ठीक है, दिस इज एडियांटम, शिलेचिनेला, साल्विनिया, ठीक है. तो स्टूडेंट्स इनको हम लोग किस लिए यूज कर सकते हैं, अभी बात करते हैं. अगर एजोला की बात करें सो इट हैव अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है स्टूडेंट्स इसका, किसके साथ, एनाबिना जो कि एक एल्गी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, एनाबिना एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है एंड इट हेल्प्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है स्टूडेंट्स ये. एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहा जाता है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वॉकिंग फर्न. ऑलराइट, सिलेजिनेला की बात करें तो ये हेट्रोस्पोरस है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स मिलते हैं और कहीं ना कहीं इट इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पज, डेकोरेटिव पर्पज के लिए इसे यूज किया जाता है. एक और एक्वेटिक फर्न है स्टूडेंट्स मार्सिलिया, इट इज ऑल्सो एक्वेटिक फर्न, ठीक है, इट इज यूज एज फूड, इसको फूड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, दिस इज यूज एज फूड. सो अगर हम बात करें होमोस्पोरस, होमोस्पोरस का एक एग्जाम्पल है लाइकोपोडिया, ठीक है, दिस साल्विनिया, दिस इज सिलेजिनेला, दिस इज हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस है ये. और अगर हम बात करें हैं एक और एग्जाम्पल की, दैट इज लाइकोपोडियम. सो स्टूडेंट दिस इज होमोस्पोरस इन नेचर, समटाइम नीट में पूछे जाते हैं होमोस्पोर्स एंड हेट्रोस्पोर्स के बारे में, सो दिस इज होमोस्पोर्स एंड हेट्रोस्पोर्स. एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज इन मेकिंग मेडिसिन, यूज टू फॉर्म मेडिसिन, इसको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है स्टूडेंट्स. कैसी ड्रग्स बनाता है ये, एंटी हेलमिंथिक, हेलमिंथ आपको पता है, एसके हेलमिंथिस में राउंड वॉर्म आते हैं, प्लेटे हेलमिंथिस में फ्लैट वॉर्म्स आए, तो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स बनाने में ये हेल्प करता है, मतलब वॉर्म्स के अगेंस्ट जो है ड्रग्स बनाने में ये हेल्प करता है. और अगर हम बात करें स्टूडेंट टेरिडोफाइट्स के अंदर एक और नई तरीके का करेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर नहीं है, सो दैट इज स्टीलर सिस्टम, ठीक है. स्टीलर सिस्टम इज रिलेटेड टू वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम में स्टीलर सिस्टम आता है, सो समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम स्टीलर सिस्टम, सो यू शुड नो अ लिटिल बिट आइडिया व्हाट इज स्टीलर सिस्टम, व्हाट इज स्टील, ओके,
So let me come to the next topic. See, this is primary vascular tissue in pteridophytes. Alright students, this is of two types. First of all, which types of tissue it includes? So it includes xylem, phloem, pit and pericycle. Very important, sometimes these are asked ki kaun se tissue iske andar present hote hain students. So if ye pit bada important hai iske andar, pit jo central ground tissue rehta hai, agar pit present hai to this is called सिफोनोस्टील. कब कहेंगे? इफ पिथ प्रेजेंट, अगर पिथ प्रेजेंट है, पिथ टिश्यू प्रेजेंट है ग्राउंड टिश्यू, तो दिस इज कॉल्ड सिफोनोस्टील. इफ पिथ इज नॉट प्रेजेंट, अगर पिथ प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोटोस्टील. ऑलराइट, प्रोटोस्टील. So if we have to do this pteridophyte in detail, we will do in another video. We will do what types of other classes are there in pteridophytes, like lycopodium and all. So we will do that in our next lecture. In our other lecture we will make for that. So this is the basic idea of what are pteridophyte, why they are called reptiles of plant kingdom. Fertilization is same as in bryophyte. They also require water for, you can say, the movement of that antheridium or male gamete from to reach the female gamete. Alright, so that also used to go in archegonium and fuse there with the, and that forms the protolyte. Alright, so this is all about pteridophytes. So for better understanding, go for revision of bryophytes, my previous lecture, then come on pteridophytes, so you will understand it better. Okay, thank you.